तभी से यहाँ का नाम उत्तार घाट पड़ा ही था। सही है वो जगह जो कि भाई यहाँ की बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल है भाई, बहुत तगड़ा व्यू आएगा यार। कैसे हो लाला? वो बच्चे हो गए नहीं अच्छे हो तो अच्छे हो जाओ। तो अयोध्या में वैसे कुछ है नहीं जितना अभी मतलब डिमांड में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया सब जान रहे हैं, और कुछ ब्लॉगर आके यहाँ पे बाहर के जो हैं वो आके यहाँ पे अपना ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं यहीं का रह के ये सब भी कवर कर लेता हूँ। फिलहाल अभी ये सब का मूड नहीं था बिल्कुल, लेकिन आज फ्री थे तो हमने कहा कुछ दिखाते हैं आप। जैसे अगर आप अयोध्या से बाहर से हो तो मैं तो बोलूँगा कि आप यहाँ पर आके ज़रूर देखना, उत्तार घाट नाम की जगह है अयोध्या में। जो लोग यहाँ के हैं ना, मैं ये बोलूँगा यार ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो अभी उत्तार घाट में, इस पर फ़ोटो शूट ज़रूर करवाना। अगर अच्छा फ़ोटोग्राफ़र होगा ना तो आपकी फ़ोटो जो क्लिक करेगा क्या बताया जाए, मेरी तरह ऐसे इन लोगों को देखो, शकल अकल अच्छी नहीं ना, लेकिन फिर भी हम खींच देते तो अच्छी आती है फ़ोटो इन लोग की। तो आए तो टहलने के मूड से थे, लेकिन अभी थोड़ा मौसम ज़बरदस्त हो गया, जस्ट बारिश हुई है तो हुआ यार एक व्लॉग बना लेते हैं क्योंकि मौसम आज थोड़ा सही था। और यार एक चीज़ आपने देखी होगी यार, यहाँ पे तो पानी गड़ता पड़ता रहता है, अभी देखो क्या फ्लो है पानी का। तो अगर कभी उत्तार घाट पे आओ तो इनसे भुट्टा ज़रूर खाना। हम लोग ने यहाँ पे न्यू ईयर ब्लॉग भी कंप्लीट करा हुआ था, मतलब कवर करा हुआ था। तो आप लोग ने एक चीज़ देखा होगा उस टाइम, उन्होंने बताया कि बड़ा मनहूस लग रहा है यहाँ पे। वो मनहूस क्यों लग रहा था? यहाँ पे पानी नहीं था यार उस टाइम पे, ठंडक के समय सारा पानी ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, और इसी टाइम जो फील है वो फील है पानी की वजह से, और बाकी कुछ खास है नहीं। ऐसे ये बकवास है भाई, अपने माहौल भी बकवास हो जाता है। और यार मतलब हम लोग मूड से ऐसे कुछ और आए थे अभी मूड बन गया ब्लॉग बनाने का, लेकिन आज संडे है ना तो बहुत ज़्यादा भाई भीड़ है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा यार पब्लिक में जब आप ब्लॉग बनाओ ना तो अनकंफर्टेबल सा फील होता है। मतलब सब नहीं है, ये जो आ रहा है एक चमू, बहुत बड़ा चमू है, फना है इश्क में, इनका इंट्रो जितना बुराई करो उतना कम है इनके बारे में, नहीं वन वन इंसान है। अकेले चले हैं। वाह भाई, हमें कैसे मालूम चलेगा तुम घर पे हो? सर देखिए तो अब सर नहीं बता पा रहे थे तुम बे। भीड़ नहीं देखने आए थे, समझ रहे क्या देखने आए थे तुम? आप बताइए आप किस लिए आए थे? इनको देखने। अब तो और गलत फील, अब तो और गलत वो आ रहा है। थोड़े शान के लिए लगाया गया है महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है, मतलब पूरा एक स्टैचू बनाया गया है। और सेकंड थिंग इसके बारे में बता दें, यहाँ पे आओ कभी फोटो खिंचवाओ कार्टून बना मत करना, वरना पुलिस वाले देख लेंगे तो दिक्कत होगी तुम्हारे साथ। अब ये मत कहना कि मेरे साथ हुआ है क्या, ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। तो मम्मा आधा घंटा हम लोग का बर्बाद कर दी, देख रहे हो सारा सनसेट गायब हो चुका है। ये तो बेचारा खड़ा था शांति से, कह रहा हो क्या रहा है यहाँ पे, गया है पीछे वाला सब लोग को बुलाने, भी आ रहा है थोड़ा और, फिर बुकरा दी एक घंटा और करेगा, फिर तो पूरा ब्लॉग ही झटका देगा भी आ गया तो। देखिए साकाल, देखो पूरा ब्लॉग में ना डाला ना तब कहना, तुम भी कहो कहाँ से मिल गए ना आज हम गलती से। गलत जगह मिल गए। इसने भी आधा घंटा गाया था लेने शैतान ने। तो ये टावर पे चढ़ते हैं ना, उसके बाद आपको व्यू दिखाते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है टावर से। तो भाई जो व्यू यहाँ से आ रहा है ना, क्या ही बोलूँ, मतलब बिल्कुल सेक्सी लुक आ रहा है, और आप लोग जो देख रहे हो ना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो फील हमें हो रहा है वो फील आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार कैमरा फील नहीं दे सकता है आपको। तो मैं एक बार चढ़ चुका हूँ, ये पहली बार चढ़ रहा है, कैसा फील हो रहा है? जबरदस्त, बर्फ थोड़ा पानी कम हो रहा है ना सामने, टाइप का दिख रहे हैं, जब थोड़ा पानी और कम हो जाएगा तो बोटिंग वाले उस पार जाएंगे और छोड़ देंगे आपको, सारा फैलो फिर वापस आ जाओ, सही है। लेकिन बस ये थोड़ा हाइट से डर लगता है, थोड़ा डर लगा नहीं भाई। वो जो कॉर्नर दिख रहा है एकदम लास्ट में, वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी हुई है। तो यहाँ से ये पूरा जो बंदा है अभी नया बना हुआ जो है वो आधा किलोमीटर का है,
और आगे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अब पूरा मिल जाएगा तो फिर वो अयोध्या से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, फिर 2-7-8 किलोमीटर का हो जाएगा। इस पर जब चढ़ो ना ऐसा लगता है हिल रहा है, शायद सही बात, हिल रहा है। ये है अयोध्या की टूरिस्ट प्लेस में से एक, और कभी भी आप अगर बाहर से हो तो यहाँ पे विज़िट करना, थोड़ा आपको हिस्ट्रिकल ये लगेगा, जो कि है भी बहुत पुराना है। और आपको एक जगह और दिखाते हैं जो कि काफ़ी हिस्ट्रिकल है, जो कि हमने सुना हुआ है, जो भी थे आप बताते हैं आगे आपको कौन सी जगह है वो। सो ये वो जगह जो कि भाई यहाँ की बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल है। सो जो कि यहाँ पे जो अंदर रहते हैं पंडित जी, उनका कहना ये है कि राम जी जब श्रीलंका से वापस आए थे तो यहीं पे आए हुए थे अयोध्या के बाद, यहीं पे स्टे करा हुआ था उन्होंने। सो आप अंदर जा सकते हो, कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, आप जाओ अंदर मिलो उनको भी देखो, और भाई ऊपर ज़रूर जाना, वो जगह से जो लुक आने वाला है ना दिखाते हैं कैसा लुक आता है। ये हफ्ते साकेत धाम को जाना हुआ जी, तब राम जी पैदल चलकर यहाँ पर आए थे अयोध्या से पद्या सहित, उसके बाद ये पर चरण चिन्ह छोड़े राम जी, उसके बाद सरयू जी मिले और साकेत धाम से पुष्पक मनाया, बैठे पद्या सहित यहीं से साकेत धाम चले गए, तभी से यहाँ का नाम उत्तार घाट पड़ा, ये भी धाम मान गया। अच्छा, ये है यहाँ का थर्ड बंधा, जो कि बहुत छोटा है लेकिन ये भी अभी न्यू ही बना हुआ है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। हमने देख रहे हो ना सामने, तुम झंकार टाइप का दिख रहा है भाई, वहाँ पे जाके जो लुक आता है ना यहाँ का देखने का, क्या ही बता, तो कुछ ऐसा लुक आता है यार यहाँ का। सो यार बस यही था, अभी टाइम भी हो गया है, 7 बज गई हैं ऑलमोस्ट, और काफ़ी लेट हो गया है। बैकग्राउंड देख रहे होगे इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लग रहा है फिलहाल, और मतलब कैसी लगी वीडियो ये बताना। और दूसरा यार लाइव बहुत छोटी है तो भाई बस खुश रहो यही बोलेंगे, और दूसरा अगर मन करे तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो, बस इतना ही। चलो फिर मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक का ख्याल रखो।